कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए राणा एजुकेशन को और करे अपने NCHMCT JEE UGC NET का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। होटल मैनेजमेंट में डिग्री करने के बाद या डिप्लोमा करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ही लिमिटेड जॉब निकलती हैं इस फील्ड के रिगार्डिंग। आज से 6 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे नवोदय विद्यालय समिति में बहुत अच्छी वैकेंसीज आई थी जो कि गवर्नमेंट जॉब थी। आज फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गाइज बहुत ही बेहतरीन जॉब्स निकल के सामने आई हैं। टोटल 80 वैकेंसीज हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में निकली हैं और इन वैकेंसीज का नाम है जूनियर कोर्ट अटेंडेंट और स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन कर रखा है कुकिंग नोइंग। तो बेसिकली ये शेफ के लिए एक जॉब होने वाली है जहां पे दो काम करने रहेंगे, एक तो जूनियर कोर्ट अटेंडेंट का काम रहेगा प्लस उसको कुकिंग का नॉलेज भी होना चाहिए। तो ये एडवर्टीजमेंट मैंने अभी आपके सामने खोल रखी है, इसके हर एक पॉइंट को मैं बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट क्योंकि जैसे मैं पता है आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, तो AI से हमने जब पूछा कि इन जॉब्स के बारे में AI क्या जानता है, तो सुनिए AI ने क्या कहा। The Supreme Court of India recently announced a job opening for the post of junior court attendant with an additional requirement of cooking knowledge. This unique requirement highlights the importance of culinary skills in the judicial system. While the primary duties of a junior court attendant involve maintaining cleanliness and assisting in administrative tasks, the ability to cook is an added skill set that enhances the overall functioning of the court. Cooking knowledge is vital in various ways within the court premises. It ensures the provision of healthy and hygienic meals for the judges and staff, helping them maintain their physical well-being and mental sharpness. Additionally, preparing meals within the court premises is a cost-effective measure that saves time and resources. Furthermore, the court occasionally hosts conferences, seminars, and events that may involve serving meals to the participants. In such instances, having a court attendant with cooking knowledge becomes highly convenient and efficient. Moreover, the inclusion of the cooking requirement demonstrates the court's recognition of the multifaceted nature of individuals. Valuing their diverse skills and contributions, it also presents an opportunity for those with a passion for cooking to pursue a career in the judicial sector. In conclusion, the Supreme Court of India's decision to require cooking knowledge for the post of junior court attendant showcases the importance of culinary skills in maintaining a healthy court environment. This unique requirement not only ensures the well-being of the judiciary, but also opens doors for individuals to combine their passion for cooking with a career in the legal field. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राणा एजुकेशन। गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में निकली 80 वैकेंसी जिनका नाम है जूनियर कोर्ट अटेंडेंट। अभी AI ने हमें इन पोस्ट के बारे में बहुत ही डिटेल में बताया। अब हम बात करते हैं जो इनकी एडवर्टीजमेंट है उसमें क्या क्या इन्होंने दे रखा है और क्या क्या गाइज आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये जो गाइज जॉब रहने वाली है ये आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जॉब रहने वाली है। जॉब का नाम होगा जूनियर कोर्ट अटेंडेंट, ओके, और कुकिंग स्पेसिफिकली आपका फील्ड होना चाहिए, है ना। लेवल 3 की गाइज ये जॉब रहने वाली है, गवर्नमेंट जॉब रहेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब ये रहने वाली है। सबसे बड़ी बात आपको पता है अभी UPS भी आ चुका है, UPS मींस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, तो आप इस पेंशन के अंडर भी आएंगे, मींस आपको आप जब रिटायर होंगे तो गाइज आपको पेंशन भी मिलने वाली है। और अगर हम इसकी सैलरी की बात करें गाइज तो आपको सैलरी यहाँ पे लमसम अगर हम बात करें आपका HRA सब मिला के तो गाइज आपको मिलेगा 47,000 के आसपास पर मंथ, जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा अमाउंट है। गवर्नमेंट जॉब है और आपकी DA हर 6 महीने में लगता रहता है, तो आपकी सैलरी जो है वो हर 6 महीने में बढ़ती रहेगी। ओके, बहुत अच्छी जॉब है, आप सबको जो भी इसमें एलिजिबल है उनको अप्लाई करना चाहिए। अब कौन एलिजिबल हैं तो हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन में गाइज आपकी 10th क्लास सबसे बेसिक क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी हुई है, है ना। 10th क्लास 10th स्टैंडर्ड आपका पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड किसी भी इंस्टीट्यूट से। सेकंड है मिनिमम 1 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन कुकिंग, तो आपके पास कम से कम 1 साल का कुकिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। तो गाइज जितने भी IHMs हैं पूरे इंडिया में जहाँ पे वो हम कुकिंग का
है ना, जो प्रोडक्शन का 1.5 साल का डिप्लोमा होता है, जहाँ पे बच्चा 1 साल कॉलेज में रहता है और 6 महीने जो है वो अपनी IT करता है, वो सभी बच्चे इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो डिप्लोमा है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी के पास डिग्री है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है। अगर डिग्री है वो अप्लाई करता है, डेफिनेटली उसको ज़्यादा वेटेज मिलेगी, वेटेज भी मिलेगी। सेकंड, जब उसका आगे रिटन टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, तो वहाँ भी उसको एडवांटेज रहेगा। बट मिनिमम इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, जिसके पास जिसने टेंथ कर रखी है और जिसके पास कम से कम 1 साल का डिप्लोमा है। अगर मैं एक्स सर्विसमैन की बात करूँ, जो हमारे फौजी भाई हैं जो रिटायर हो चुके हैं, है ना, और वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनके पास डिप्लोमा नहीं भी है तब भी उन्हें एक ट्रेड, मतलब एक सर्टिफिकेट चाहिए कुकिंग का, किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। जैसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, वहाँ पर अगर उन्होंने कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर रखा है ना, कुकिंग का कोई सर्टिफिकेट उनके पास है, तो वो भी इसमें गाइज अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है ना। अब चलते हैं आगे एक्सपीरियंस। क्वालिफिकेशन के साथ साथ गाइज आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। और एक अच्छे होटल का या रेस्टोरों का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, वो भी कम से कम 3 साल का, है ना। और वो स्पेसिफिकली किस में होना चाहिए, कुकिंग, मतलब किचन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें यहाँ पे लिखा है साफ साफ कुकिंग एक्सपीरियंस उनके पास 3 साल का होना चाहिए। तो 10th है ना, 10th का 10th पास होनी चाहिए, प्लस 1 साल का डिप्लोमा या फिर डिग्री, है ना, और 3 साल का एक्सपीरियंस जिसके पास है गाइज, वो इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। एज की बात करें, 18 से 27 साल के बीच में कैंडिडेट की एज होनी चाहिए। और इसका जो इन्होंने डेट रखी है, जिसके बेस पे ये एज को देखेंगे, वो है 1/8/2024 तक, वो 27 साल तक का होना चाहिए, है ना। तो 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 27 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सेकंड जो है, जो यूजुअल रिलैक्सेशन मिलती है एज की, वो SC/ST में आपको पता है 5 साल, है ना, जो भी रूल्स हैं SC/ST के, वो सबको रिलैक्सेशन मिलेगी, है ना, एज़ यूजुअल जो मिलती है एज़ पर गवर्नमेंट रूल। ओके, देन अगर हम बात करें रिजर्वेशन की, तो ये टोटल 80 पोस्ट हैं, इनमें रिजर्वेशन भी चलेगा, है ना, एंड उसमें हमारा SC शेड्यूल ट्राइब, फिजिकली चैलेंज्ड, ओके, इन सभी के लिए जो है, जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं रिजर्वेशन के, वो यहाँ भी फॉलो किए जाएंगे, तो वो पैरामीटर भी यहाँ पे चलेंगे। ठीक है जी, ये तो मैंने आपको अभी तक बताया कि एज क्या है ना, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, और जॉब का नाम क्या है, कितनी पोस्ट हैं, 80 पोस्ट हैं, बहुत अच्छे नंबर हैं। 6 महीने पहले नवोदय विद्यालय की जॉब निकली थी, वहाँ भी 85-86 वैकेंसीज थी, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी, और सेकेंड वहाँ भी सेम ही पे स्केल था आपका। ठीक है जी, बहुत रेयर होता है कि हमारे होटल मैनेजमेंट के बच्चों के लिए गवर्नमेंट जॉब निकल जाए, है ना। ये जो सुप्रीम कोर्ट की जॉब निकली है, बहुत रेयर है, मैं मतलब फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि ये जॉब निकली हुई है। हो सकता है पहले भी निकली हो, बट मैंने फर्स्ट टाइम देखी। ओके, सेकंड है मेथड ऑफ सिलेक्शन। अब जो बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे, अब बहुत सारे बच्चे अप्लाई करेंगे पूरे इंडिया से, है ना, क्योंकि कितने सालों से लोग होटल में काम कर रहे हैं और होटल से शिफ्ट करना चाहते हैं, और गवर्नमेंट जॉब में कौन नहीं आना चाहता, है ना। तो जब बच्चे अप्लाई कर देंगे तो वो सिलेक्ट कैसे होंगे, मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा? तो गाइज, जो मेथड ऑफ सिलेक्शन है वो रहेगा, सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, है ना। जो रिटन टेस्ट है आपका, उसके 2 पार्ट होंगे। ओके, पहला आपका होगा जनरल नॉलेज, GK, ठीक है, और MCQ रहेंगे, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और ये 30 नंबर का होगा। ठीक है जी, 30 नंबर का हो गया। दूसरा जो आपका रिटन टेस्ट, मतलब एक ही पेपर होगा, उसमें 30 क्वेश्चन जो होंगे वो GK के होंगे, और दूसरा जो होगा उसमें 70 क्वेश्चन जो हैं वो किसके होंगे, कुकिंग के। ये ट्रेड है आपका, ये आपका डोमेन सब्जेक्ट है, क्योंकि पोस्ट जो है उसमें स्पेसिफिकली बोला गया है कि कुकिंग नॉलेज होना चाहिए। तो कुकिंग नॉलेज कैसे चेक करेंगे आपका, वो आपका एग्ज़ाम लेंगे। तो एग्ज़ाम 100 नंबर का होगा, 30 नंबर का आपका क्या आ गया, जनरल नॉलेज, और 70 नंबर का आपका क्या आ गया, ये कुकिंग और कल्नरी नॉलेज। ओके, तो कितना हो गया टोटल, ये 100 नंबर का हो गया आपका रिटर्न, है ना। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल ट्रेड स्किल टेस्ट इन कुकिंग। अब जो बच्चे रिटर्न को क्वालिफाई कर लेंगे,
उनको वो किस चीज़ के लिए बुलाएंगे, जिसको हम बोलते हैं ट्रेड टेस्ट, है ना, या जिसको हम बोल देते हैं कि ट्रायल, हम होटल में क्या बोलते हैं ट्रायल। तो मतलब अगर किसी बच्चे ने एग्ज़ाम दिया जी, 100 नंबर का एग्ज़ाम दिया और वो उसने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया, है ना, तो अब उसको वो उस बच्चे को बुलाएंगे, कैसे बुलाएंगे उसको, वो एक लेटर भेजेंगे और उस बच्चे को आके एक ट्रेड टेस्ट देना होगा जहाँ पे वो बच्चा कुछ बनाएगा, है ना, कुछ वो उसको मेन्यू देंगे, है ना, वट एवर। अब इसमें इतना डिटेल में नहीं बताया गया है बट क्योंकि हम मैं इसी फील्ड का हूँ तो जहाँ तक मुझे पता है वो आपको एक मेन्यू देंगे और वो मेन्यू आपको वहाँ पे बनाना रहेगा। ये 70 नंबर का होगा, ठीक है। और फिर लास्ट में जो बच्चे उस ट्रेड टेस्ट को, उस ट्रायल को भी पास कर लेंगे, लास्ट में उनका इंटरव्यू होगा, ठीक है, वो कितने मार्क्स का होगा, वो 30 मार्क्स का होगा। तो टोटल आपके कितने हो गए, 200 मार्क्स। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, ये MCQ होगा, ठीक है, एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, बट इसमें एक कंडीशन है, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके होने ही चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपका 100 नंबर का रिटर्न हो रहा है तो 60% मार्क्स इन ईच कंपोनेंट, है ना जी। तो जैसे 30 नंबर का आपका फॉर एग्जांपल GK हो रहा है ना, तो अगर हम 30 का 60% निकालें तो गाइज आपको 18 नंबर कम से कम GK वाले पोर्शन में लाने पड़ेंगे। वैसे ही 70 नंबर का आपका कुकिंग का टेस्ट होगा, तो अगर उसका भी हम क्वालिफाइंग करें, है ना, 60% लिखा है, तो यहाँ भी आपको 42 मार्क्स लाने होंगे। इन दोनों को अगर प्लस कर दें तो जो 100 नंबर का पेपर आपका रिटर्न हो रहा है उसमें आपके कम से कम 60 नंबर होने चाहिए। अगर 60 नंबर या इससे ज़्यादा है तभी आप इसको क्या करेंगे, क्वालिफाई करेंगे इस एग्ज़ाम को, ठीक है। और उसके बाद कितना कट ऑफ जाएगा, है ना, वो अभी एजेंसी डिसाइड करेगी। ये तो क्वालिफाइंग हुआ, मतलब अगर 60 नंबर आ गए इसका मतलब ये नहीं कि आपको इंटरव्यू के लिए बुला ही लिया जाएगा या ट्रेड टेस्ट के लिए बुला ही लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक रेशो और लगती है कि जितनी आपकी पोस्ट हैं उसका वो 4 टाइम या 5 टाइम या 6 टाइम बंदों को बुलाते हैं, है ना। तो अगर 80 नंबर वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए तो वो 80 वालों को ही बुलाएंगे, उनको जितने बुलाने हैं, है ना। तो मैं आपको यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ, इस वाले पार्ट को ना आप एक बार दोबारा देखना, आपको एक बार समझ नहीं आएगा, इसको रिवाइंड करके दोबारा देखना। 100 नंबर का पेपर होगा, रिटर्न ऑब्जेक्टिव होगा, MCQs क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और क्वालिफाइंग है। 100 में से कम 60 नंबर लेने पड़ेंगे क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। लेकिन आप इसका मतलब ये नहीं कि आप 60 नंबर के लिए पढ़ेंगे, आप पढ़िए कि आप 100 से कम 90 मार्क्स लेके आएंगे, क्योंकि वो कितनों को कॉल लेटर भेजेंगे, ये कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वो हमें नहीं पता, ठीक है। फिर जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेगा उसका बाद में ट्रायल होगा 70 नंबर का, उसे कुछ बनाने के लिए बोला जाएगा। अगर उसने अच्छे से बना लिया तो उसको उसके बाद उसका इंटरव्यू होगा, और अगर वहाँ भी उसने अच्छे से परफॉर्म कर दिया तो वो बच्चा इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो जाएगा और उसको वो जो ज्वाइनिंग लेटर है वो मिल जाएगा। आई होप मैं आपको यहाँ तक समझा पाया हूँ, है ना। तो ये जो पोर्शन है आप इसको एक बार दोबारा देखिएगा, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो आप इस वीडियो के कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली इस पर रिवर्ट करूँगा, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था इस एडवर्टीजमेंट का, है ना। देन देखो, हाँ, टाइम कितना मिलेगा आपको, टाइम आपको मिलेगा 90 मिनट्स, मतलब आपको 1.5 घंटा मिलेगा 100 क्वेश्चन करने के लिए, आपको 90 मिनट्स मिलेंगे, है ना, नंबर एक। नंबर दो, देर विल बी देखो नो नेगेटिव मार्किंग, मैंने आपको बताया, है ना। और जो रिटर्न टेस्ट है आपका वो 17 सेंटर में किया जाएगा, 16 स्टेट्स में, 16 स्टेट्स में एग्ज़ाम होगा और जिसमें 17 सेंटर है, कहाँ कहाँ होगा वो आपको यहाँ पर डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है ना, फीस भी आपकी लगेगी, और फीस जो है वो गाइस 400 रुपये जो है वो फॉर द ऑल कैंडिडेट्स जो जनरल कैटेगरी के हैं, है ना, 200 रुपये जो है वो SC ST के लिए है, मतलब इसमें आप इसको आप पढ़ेंगे तो आप बहुत इजीली इसको समझ सकते हो, ओके। उसके बाद इस फॉर्म को भरना कैसे है, है ना, बहुत इजी है। इस इन इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लें, जो एडवर्टीजमेंट है इसकी कॉपी जो है मैं आपको
इसी वीडियो में, जो उसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे आपको उसकी कॉपी मिल जाएगी, ठीक है। अब इस फॉर्म को भरना कैसे है, इस ये जो फॉर्म है गाइज आपका, ये 24 तारीख से भरना शुरू हो गया है, 24 अगस्त से। अगर आपको नहीं पता हो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ देखें, द एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओनली। मतलब आपने इनकी वेबसाइट पे जाना है, वहीं पे फॉर्म को भरना है और वहीं पे फॉर्म को सबमिट करना है, वहीं पे फीस को पे करना है और यही आपकी फॉर्मेलिटी यहीं पे हो जाएगी। तो ये फॉर्म भरना शुरू कब हुए हैं, ये शुरू हुए हैं 23 अगस्त से, ये फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं 23 अगस्त से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे इनका लिंक आपको दिख जाएगा, है ना। और कब तक भर सकते हैं, 12 सितंबर तक, ध्यान रखना, है ना। तो आज 1 सितंबर को ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, आपके पास 10-11 दिन और बचे हैं, ठीक है। 12 सितंबर तक आपको ये फॉर्म भर देना है किसी भी हालत में, ठीक है। फीस पेमेंट करने का सब कुछ प्रोसेस वहीं पे आएगा। अगर आप खुद नहीं भर सकते हैं तो आप साइबर कैफ़े में जाके भी इसको भर सकते हैं, बट बहुत इजी फॉर्म होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा अभी, है ना। बहुत यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट होती है, आप उसको फॉलो करेंगे तो आप बहुत ईजिली इसको भर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इनका जो, यस ये देखो, भरने के लिए आपने क्या करना है, ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ पे दे रखा है लिंक, इसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये एक अलग पेज खुल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे अपडेट्स आ रही हैं, है ना। यहाँ पे इनको व्यू ऑल करेंगे, ठीक है, ये सारी अपडेट्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं, कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वो जो है वो 23 अगस्त के आसपास वो लिंक यहाँ पे आया होगा, है ना। ये देखो यहाँ पे आपको दिखेगा लिंक टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर्म्स फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर कोर्ट अटेंडेंट, ये वाला, ये देखो देखा आपको, इस पे हम क्लिक कर देंगे, ये क्लिक कर दिया हमने, बस ऐसे ये पेज खुल जाएगा, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है द लिंक टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर कोर्ट अटेंडेंट कुकिंग नोइंग इज एज फॉलोज, ये लिंक रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। बहुत ईजी प्रोसेस है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना टू रजिस्टर, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, फोर्थ वाले पे क्लिक हेयर, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। बस इस फॉर्म को आप यहाँ से भरना शुरू कर देंगे, अपना नाम लिखेंगे, पोस्ट कोड लिखेंगे, कैंडिडेट फुल नेम लिखेंगे, आपका फ़ोन नंबर आएगा, है ना, बहुत यूज़र फ्रेंडली। इसको आप भरते जाएंगे, आगे आपसे ये डिटेल पूछेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, है ना, क्वालिफिकेशन पूछेगा, उसको आपने अपलोड कर देना है, लास्ट में आप इसको सबमिट कर देंगे और अपनी फ़ीस सबमिट कर देंगे, बस हो गया। अपनी ईमेल, अपना फ़ोन नंबर ध्यान से भरिएगा क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहीं पर आएगी, ठीक है। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है फॉर्म भरने में तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, हो सका तो मैं आपको अलग से एक फॉर्म भर के दिखा दूंगा, बट बहुत इजी है, आप साइबर कैफे में जाके अब इसको भर सकते हैं, ठीक है। ओके जी, ये फॉर्म भर दिया, सब कर दिया, अब मेन बात आती है कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करोगे, है ना। तो राणा एजुकेशन ने गाइज आपके लिए एक कोर्स डिज़ाइन किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑलराइट, तो गाइज इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है, इस एग्ज़ाम के लिए स्टडी मटेरियल कहाँ मिलेगा, इसके लिए राणा एजुकेशन ने लॉन्च किया है कोर्स, स्पेसिफिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए इन पोस्ट के लिए कोर्स बनाया है, और उस कोर्स में आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। अच्छा, वो मेरे ऐप में मिलेगा, तो ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल करने के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक अभी आपको आई बटन में दिख रहा होगा, और उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो वहां जाके आप उस ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप का नाम है राणा एजुकेशन, ओके। उस ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल करने के बाद आप उसको ओपन करेंगे, ये इसका होम पेज है ना। यहाँ पे ओपन करने के बाद आप जाएंगे स्टोर में, ठीक है,
स्टोर में जाने के बाद गाइज यहाँ पे आप दो तरीकों से कोर्स को सर्च कर सकते हो। या तो आप यहाँ गवर्नमेंट जॉब वाले जो फोल्डर आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी गवर्नमेंट जॉब वाले मेरे कोर्सेज अब यहाँ पे फ्लैश हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे आपको दिख जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जूनियर कोर्ट अटेंडेंट। ओके, एक ऑप्शन तो ये है सर्च करने की। दूसरी ऑप्शन है आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तब भी आपको यहाँ पे जिस सारे कोर्सेज आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे आपको दिखेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, है ना, ये कोर्स। और अगर आप ये भी नहीं करते तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, सर्च में आप डायरेक्ट लिखेंगे जूनियर, ऐसे सर्च करेंगे जूनियर कोर्ट अटेंडेंट तो यहाँ पे कोर्स फ्लैश हो जाएगा, ये इस कोर्स को आप ओपन कर लेंगे। ओके, तो गाइज ये रहा वो कोर्स जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जूनियर कोर्ट अटेंडेंट, कंप्लीट कोर्स है। यहाँ पे गाइज आपको एज पर योर सिलेबस सब कुछ मिलने वाला है। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इसमें जीके है प्लस इसमें कुकिंग नॉलेज है। ओके, तो वो सारा कंटेंट जो है आपको गाइस यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, पहले इसके हम बात कर लेते हैं इसकी वैलिडिटी, है ना। तो ये कोर्स जो है गाइस वो इसकी जो वैलिडिटी है वो दो वैलिडिटी है ना, एक है 3 मंथ्स की वैलिडिटी और एक है 6 मंथ्स की वैलिडिटी। 3 मंथ्स के लिए आपका जो चार्जेस हैं 1500 हैं, 6 मंथ्स के लिए जो चार्जेस हैं गाइज वो 2500 हैं, क्योंकि हमें नहीं पता एग्ज़ाम कब होगा, है ना। हो सकता है कि विद इन 3 मंथ्स हो जाए या 6 मंथ्स के बीच में हो जाए, पर हम 6 मंथ्स का स्पैन लेके चल रहे हैं कि 6 मंथ्स के अंदर ही एग्ज़ाम जो है वो हो ही जाएगा। सो जो भी आपको सूट करता है आपके बजट को आप उसके अकॉर्डिंग उस कोर्स को ले सकते हैं। अगर हम इसके कंटेंट की बात करें, ऊपर आप कंटेंट पर क्लिक करेंगे तो गाइज यहाँ पर आपको कम्प्लीट मटेरियल मिलने वाला है। मेनली आपको मैं दिखा दूँ, जैसे यहाँ पे आप देखें सैलरी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस क्या है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, सिलेबस क्या है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, मेन आता है स्टडी मटेरियल। ओके, तो यहाँ देखो जनरल अवेयरनेस है ना एंड डोमेन प्रोफेशनल सब्जेक्ट नॉलेज। अगर मैं आपको यहाँ पे एक फोल्डर ओपन करके दिखाऊँ, जैसे मॉक टेस्ट है, क्योंकि मैंने कहा था ये जो आपका 100 नंबर का पेपर होगा इसमें आपको मेनली MCQ आएंगे, तो MCQ के लिए हमें मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने आने चाहिए क्योंकि वहाँ पे आपको MCQ पे ही एग्ज़ाम देना है। तो यहाँ पे आपको 27 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं जहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारा ही जनरल नॉलेज इंक्लूड कर रखा है जहाँ से कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो 70 नंबर का आपका डोमेन नॉलेज है वो है गाइज आपका जैसे जो किचन में आपने पढ़ रखा होगा डिप्लोमा में या डिग्री में, वो सारे मेन टॉपिक्स के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। यहाँ हर एक वीडियो में टॉपिक को एक्सप्लेन किया हुआ है। और सबसे इम्पॉर्टेंट गाइस आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। और मैंने कहा था क्योंकि राणा एजुकेशन NSTAT का एग्ज़ाम भी करवाता है जो पूरे कंप्लीट डिग्री के लिए होता है, तो जो NSTAT में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोडक्शन के, है ना, जितने भी MCQs हैं, आपने ऑक्सफोर्ड की बुक्स पढ़ रखी होंगी अपने कोर्स की ड्यूरिंग, उन बुक्स में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी MCQs हैं, जितने भी टेक्निकल टर्म्स हैं, उन सभी को मॉक टेस्ट में कन्वर्ट किया हुआ है। और वो सारे मॉक टेस्ट, सारे टेक्निकल टर्म्स, सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप देखें फुल प्रोडक्शन मॉक टेस्ट 1, ऐसे करके यहाँ पे गाइज जैसे बेकरी है ना, बेकरी से भी क्वेश्चन आएंगे। आप देखें प्रोडक्शन के यहाँ पे 26 मॉक टेस्ट हैं, तो एक मॉक टेस्ट में 20 क्वेश्चन होते हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 500 से 600 क्वेश्चन तो आपके प्रोडक्शन के ही हो गए, ठीक है। प्लस बेकरी के मॉक टेस्ट हैं, प्लस फिर उसके बाद हमारा फूड हाइजीन के मॉक टेस्ट हैं, कुछ F&B सर्विस के मॉक टेस्ट हैं। मीन्स आपको एक कंप्लीट स्टडी मटेरियल यहाँ पे मिलेगा। अब इसकी बड़ी बात यह है कि ये जो ऐप है इसको आप लैपटॉप पे खोल सकते हो, डेस्कटॉप पे खोल सकते हो, किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे खोल सकते हो। ये जो मॉक टेस्ट है इनको आप 1000 बार लगा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। मॉक टेस्ट कैसा होता है उसका डेमो अभी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 20 क्वेश्चन आपके सामने खुलेंगे, है ना, आप उनको अटैम्प्ट करेंगे, जैसे आप उसको सबमिट करेंगे तो वो आपको बताएगा कि आपके कितने मार्क्स आए आउट ऑफ 20, है ना, कौन से क्वेश्चन गलत थे, कौन से क्वेश्चन सही थे, जो गलत थे वो बताएगा इसमें क्या गलती है। तो एक कंप्लीट पैकेज है जहाँ पे आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्लस इसमें और भी स्टफ हम ऐड करेंगे, इसमें रेगुलरली जो मटेरियल है वो ऐड होता रहेगा और एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो भी अपडेट है वो आपको यहीं मिलती रहेगी, है ना। ट्रेड टेस्ट कैसे देना है, इंटरव्यू कैसे फेस करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन गाइज आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। इस कोर्स को अभी ज्वाइन करिए और पहले तो फॉर्म को भरिए, जो भी एलिजिबल हैं फॉर्म को भरिए, इस कोर्स को ज्वाइन करिए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अभी के अभी शुरू करिए। इसमें बहुत सारा स्टफ़ है जिसको आप
किसी भी टाइम इस ऐप को ओपन कर सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है, और जितने भी मॉक टेस्ट उनको आप 1000 बार लगाइए, उसमें कोई टाइम की लिमिट नहीं है। सो आई होप, आई गेस कि मैंने इस कोर्स और इस जॉब के बारे में आपको बहुत ही डिटेल में सब कुछ बता दिया है। फिर भी अगर कोई भी आपका डाउट हो तो आप इस वीडियो को कमेंट में पूछते रहिएगा, मैं उसका जवाब देता रहूँगा। और अगर किसी किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो उस पर हम अलग से वीडियो बना लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, इट मीन्स यू रियली वॉन्ट टू हैव अ गवर्नमेंट जॉब, है ना? तो गवर्नमेंट जॉब से अगर आपको प्यार है, गवर्नमेंट जॉब आपको चाहिए, तो ये सुनहरा मौका है, है ना? इस कोर्स को ज्वाइन करिए एंड आपका सपना डेफिनेटली साकार हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।